विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर यानी कि गुरुवार को मतदान है। चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले पीएम मोदी ने सियासी माहौल भाजपामय बना दिया है। बनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी आज तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए। इसके बाद दो चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे, तो वहीं शाम को हैदराबाद में रोड शो करेंगे। माना जा रहा है कि ये पीएम मोदी के तिरुपति बालाजी दरबार से तेलंगाना को साधने की रणनीति है। पीएम मोदी रविवार रात विशेष विमान से तिरुपति हाईवे अड्डे पहुंचे हुए थे और सोमवार सुबह तिरुमाला मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और कुछ समय में बिताया वहां पर। भगवान के दर्शन के बाद पीएम मोदी वैदिक विद्वानों और उन लोगों के पास पहुंचे, आशीर्वाद और प्रसाद दिया। बालाजी दरबार में हाजिरी लगाने के बाद पीएम तेलंगाना में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए उतर जाएंगे। इसी तरह हिंदुत्व का एजेंडा चुनावी रणभूमि में सेट करने की कवायद शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी चौथी बार तिरुपति बालाजी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद 2015 में उन्होंने तिरुपति मंदिर में जाकर के दर्शन किए थे। इसके बाद 2017 में दर्शन और पूजा अर्चना की गई थी। 2019 में दूसरी बार सरकार बनने के बाद बालाजी दरबार में जाकर माथा टेका था। तेलंगाना चुनावी तपिश के बीच पीएम मोदी ने चौथी बार भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। माना जा रहा है कि तिरुपति से तेलंगाना की सियासी संदेश देने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व का दाव खेलती रही है। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर मथुरा और काशी बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। पीएम मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 23 नवंबर को पीएम ने मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन किए। 75 साल में पहली बार मथुरा में दर्शन करने कोई प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इसके अलावा देश के तमाम मंदिरों में जाकर पीएम मोदी दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब बीजेपी दक्षिण भारत में भी हिंदुत्व का कार्ड चल रही है।